गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरवं सिद्धं गुरुत्रयं पदेकं धृतिकरं मंडलं वीणानश्चितस्नुतं वीरावली पंचम श्रीमन्मायण मंत्रा सीतम मुंदे गुरुर्मुंदरम्। हम आज के दिन गुरुमंडल को प्रणाम करते हैं। जो ब्रह्मांड में जितने भी गुरु हुए हैं उन सभी को प्रणाम करते हुए आज इस क्षेत्र में जो महामाया शक्तिपीठ सिद्ध शक्तिपीठ है वहाँ हम यह दिव्य दिवस, इसे गुरुपादुका सिद्धि दिवस कहा जाता है। ऐसे दिवस के दिन हम एक गुरुपादुकाओं की पूजा कर वह सिद्धि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसा कहा गया है। गुरु जी ने अपनी विशिष्ट दुर्लभ सिद्धियाँ में इस गुरुपादुका सिद्धि दिवस के बारे में ये कहा गया कि गुरु पूर्णिमा से भी श्रेष्ठ है। इस दिवस के दिन जो अपने गुरुपादुकाओं पर नतमस्तक होकर विशेष विधि विधान के साथ उसका मंत्र और पूजन करता है वो गुरु कृपा को प्राप्त करता है। इस बारे में हमें कथानक कहा गया है कि जब प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति का उद्भव हुआ, ब्रह्मा ने कहा कि मुझे सृष्टि करने के लिए कुछ सुधर नहीं रहा है, मुझे क्या करना है। तब उन्होंने कहा कि तुम किसी गुरु का आश्रय ले लो, तब तुम्हें उसका ज्ञान होगा, तुम सृष्टि की रचना कर सकोगे। तो सृष्टि की रचना करने के लिए कोई ना कोई तो शक्ति चाहिए। तब सुदर्शन नाम की एक दिव्य कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और उन्होंने कहा कि इस संसार में सभी को कोई ना कोई मार्गदर्शन मिले, क्योंकि जब संसार में आता है तो उसको हर वृक्ष पानी जल फल जो भी हमारे पंच महाभूत है उन महाभूतों का ज्ञान नहीं होता जिस महाभूतों से हम बने हैं। तब प्रजापति ब्रह्मा ने भगवान शिव जी की आराधना की जो आदिगुरु कहलाए जाते हैं, जिनके गुरु विष्णु है, विष्णु के गुरु शिव है ऐसा कहा जाता है। और इन दोनों को भी मानने वाले ब्रह्मा जी कहे गए हैं, इसीलिए हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ऐसा कहते हैं। तो उस प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि मार्गदर्शन करने वाला कोई ऐसा मुझे दिव्य पुत्र दे दो प्रभु जो आपके गणों में स्थापित हो और किसी साधना से श्रेष्ठ कहलाया जाए, ऐसा उन्होंने भगवान शिव जी से प्रार्थना की। उनके बहुत हजार वर्ष के बाद जब उनकी तपस्या सफलीभूत हुई थी, शिव जी ने कहा कि हाँ, तुम्हें मैं ये दिव्य पुत्र को प्रदान करता हूँ, वह इस गुरु परंपरा को इस संसार में रखेगा और मेरा प्रियतम होगा। उस प्रजापति को जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो धीमा धीमा बढ़ता गया। तो उनके पिताजी प्रजापति ने कहा कि तेरा जन्म शिवजी को गुरु मानकर आगे चलने के लिए हुआ है, शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए हुआ है, तो तुझे शिवजी का जप करना है। उसने शिवजी का जप आरंभ किया। जब उसका 1 करोड़ जब पूर्ण हुआ तो शिवजी प्रत्यक्ष हो गए। अब कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो बोले प्रभु मैं तुमसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं और 1 करोड़ जप करूँ। शिव जी हंसे, बोले हाँ तथास्तु। फिर 1 करोड़ जप हुआ। बाद में फिर शिव जी प्रत्यक्ष हुए, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे प्रत्यक्ष हुआ। उसने कहा प्रभु मुझे और 1 करोड़ जप करने की इच्छा है, लालसा है, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं और 1 करोड़ शिव जी का आपका मंत्र जप करूँ। फिर भी शिव जी ने तथास्तु कहा। जब शिवजी इसी प्रकार तथास्तु कहने लगे तो 3रा करोड़ जब पूर्ण हुआ तो उसने फिर कहा कि प्रभु मैं और 1 करोड़ जब करना चाहता हूँ। तब शिवजी ने कहा अब बस हो गया, क्या तू मुझे अपने में समाहित करना चाहता है? मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू मेरे साथ रहेगा और मेरे गणों में तू श्रेष्ठ गण कहलाया जाएगा, मेरे जो गणों में तेरी श्रेष्ठ पदवी होगी। और यह बात कहता हूँ कि तेरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपसे कभी बिछड़ कर नहीं रहूँ, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपसे बिछड़ू नहीं। तो शिव जी ने कहा कि तू बिछड़ के नहीं रहेगा और कभी भी मेरे पास ही रहेगा, इसलिए तुझे मैं मेरे गणों में शामिल करते हुए मेरा वाहन बना रहा हूँ। और उसे नंदी कहा गया, जो आनंद हम कहते हैं उस नंदी के रूप में, उन प्रजापति उस प्रजापति के पुत्र के रूप में नंदी का आविर्भाव हुआ। और नंदी ने उस दिन कहा कि प्रभु आज से बताओ कि मैं आपकी सेवा किस तरह कर सकूँ। शिवजी ने उस दिन उनको कहा कि मैं तुझे मेरे पादुकाओं की पूजन, मेरे चरणों को देखते हुए तो अगर मैं बैठ सकता है तो मैं तुझे वो साधना प्रदान करता हूँ। अब आदि गुरु शिवजी ने नंदी को यह साधना आज के दिन ही प्रदान की थी। इसके बाद अत्रिमहर्षि के पुत्र दत्तात्रेय जी हुए। दत्तात्रेय जी महान तपस्वी थे, विष्णु के अंश थे और गुरु में गुरु आदिगुरु कहलाने के लायक थे, जो पृथ्वी पर उत्पन्न होने के बाद उन्हें आदिगुरु के रूप में भी कहा गया है। उनके जीवन में एक शिष्य हुआ जिसका नाम था कार्तवीर्यार्जुन। वो कृतवीर्य का पुत्र था और अपने गुरु की इतनी सेवा मन से करता था कि उसकी सेवा से दत्तात्रेय बहुत प्रसन्न थे। कहते हैं कि वो एक बार दत्तात्रेय जी को उनके गोद में बैठे बैठे नींद लगे, गोद में सरक कर सो रहे थे, नींद लग गई और किसी सांप ने आकर उनको काट लिया। तो उन्होंने उठ तक नहीं कहा, इसलिए कि कहीं मेरे गुरुजी का नींद खराब न हो जाए, उठ न जाए। और वैसे ही बैठे रह गए, उनके शरीर में विष व्याप्त होने लगा। तो वे वैसे ही बिना कराह करते हुए वहीं खड़े रहे। ये बात दत्तात्रेय जी की समझ में आ गई और दत्तात्रेय जी उठे, बोले आज तक मैंने तेरे जैसा शिष्य नहीं देखा, आज से तुझे कोई भी विष तेरे ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। यह बात कार्तवीर्यार्जुन को उन्होंने कही। कार्तवीर्यार्जुन ने इस के बाद उन्होंने कहा कि हे कार्तवीर्यार्जुन, मैं तेरे शिष्य की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे तुझे सारा सामर्थ्य प्रदान करता हूँ, तो संसार में कहीं भी जा विजयी होगा। तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे विजयी होना या कहीं पर जाने के लिए कभी मत कहो, मैं आपके चरणों को छोड़ के कहीं जाऊँगा ही नहीं। बस ये आशीर्वाद दो कि मैं आपके चरणों में नित्य निरंतर आपके चरणों की सेवा करते रहूँ और आपके चरणों की धूल का तिलक करते रहूँ और आपकी सेवा करते रहूँ, मुझे कहीं दूर जाने की बात मत करो। लेकिन दत्तात्रेय जी ने कहा कि अगर मैं एक सामर्थ्यवान शिष्य को बनाता हूँ तो इसका अर्थ यह है कि वो लोग कल्याण के लिए काम आए। तेरा यह कहना ठीक नहीं है कि तू मेरे पास ही रहेगा। उसने कहा आप कुछ भी करो, आप जो भी काम मुझे सौंपेंगे उसमें मैं मेरे गुरुचरणों से दूर नहीं हो सकूं, ऐसा आप कुछ भी मुझे आशीर्वाद दो, बाद में भी जो काम बोलना है आप बोलो। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कार्तवीर्यार्जुन कौन थे। कार्तवीर्यार्जुन को भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जो है वो अवतार कहा जाता है। एक बार भगवान विष्णु जी सोए हुए थे, लक्ष्मी जी पाँव दबा रही थी, तो नारद जी जैसे ही आए और विष्णु की प्रशंसा करने लगे कि प्रभु आपने कितने राक्षसों को मारा है, कितनी श्रेष्ठता है आपकी, कितनी दिव्यता है। तो जो सुदर्शन चक्र विष्णु जी के हाथ में था उसने कहा वाह नारद महर्षि, कभी भी आते हो विष्णु जी की प्रशंसा करते हो, उन्होंने किसी को भी उन्होंने मारा है या कुछ भी किया है तो उसमें हमारा भी तो थोड़ा योगदान है, आप कभी हमारी प्रशंसा नहीं करते, आप कभी हमारे लिए तो देखा करो। जब विष्णु को लगा कि हाँ इसे गर्व हो गया कि वो चाहता है कि मेरे बिना सुदर्शन चक्र के बिना भगवान विष्णु किसी राक्षस को मार नहीं सकते। तो नारद को विष्णु कहते हैं कि जो कहता है वो सच ही है ना नारद, तो कभी सुदर्शन चक्र की प्रशंसा क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैं भी अन्याय कर रहा हूँ मेरे सुदर्शन चक्र के प्रति, तो हे सुदर्शन मैं तुझे संसार में जन्म लेने के लिए भेजता हूँ, कुछ वर्षों के लिए, कुछ सहस्त्र वर्षों के लिए तू जाकर और पृथ्वी पर राज्य कर, आयुष कर, तू जैसा चाहता है वैसा जीवन जी, मैं तुझे आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सुदर्शन खुश हो गया कि सभी लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा करते, मैं जब राजा होऊंगा तो मेरी भी प्रशंसा करेंगे, मैं भी राजा बन जाऊँगा। और कार्तवीर्यार्जुन के रूप में उन्होंने पृथ्वी नाम के राजा को पुत्र के रूप में पैदा हुआ। और जब वो पैदा हुए तो उन्होंने दत्तात्रेय जी को गुरु मानकर सेवा आरम्भ कर दी। ये एक बात। ये कार्तवीर्यार्जुन ही जब सेवा करने लगे तो दत्तात्रेय जी उनके ऊपर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि हे कार्तवीर्यार्जुन, तू बार बार ये कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये विधान नहीं है। मैं तुझे जब सामर्थ्यवान बनाता हूँ तो तुझे लोक कल्याण करना ही है, और उस लोक कल्याण के लिए मैं तुझे मार्ग बताता हूँ, तुझे वो करना है। उन्होंने कहा, प्रभु एक बात बताऊँ कि मुझे एक दिन भी बिना आपके दर्शन से नहीं रह सकता हूँ, तो मैं ये आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। हर दिन आपका दर्शन मुझे होना ही चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। तब प्रथम बात भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा कि ये ले, यह मेरे पादुका हैं जो हर जगह घूमती हैं, इन पादुकाओं को मैं तुझे प्रदान कर रहा हूँ, और उनमें 16 कलाएँ रखकर मैं इन पादुकाओं को तुझे देता हूँ। जिस दिन सुबह रोज मैं जो मंत्र बोलता हूँ 11 बार बोलकर भी इस पादुका को सिद्ध करके मेरे राज्य में स्थापन करूंगा, और जब इसके ऊपर सर रखेगा मेरा दर्शन तुझे होगा, नित्य तुझे दर्शन होगा। जो इस गुरु पादुकाओं को विशेष सिद्धि के साथ अपने घर में स्थापन करते हैं उनको दर्शन दूंगा। ऐसा दत्तात्रेय जी ने कार्तवीर्यार्जुन को आशीर्वाद दिया। वह दिन आज का दिन है माघ शुद्ध शुक्ल पक्ष की द्वितीया। यही बात बोली करते हैं और उनको कहते हुए उन्होंने कहा कि सारे संसार के तीर्थ जाकर समुद्र में मिलते हैं, जैसे गंगा यमुना वगैरह सारी चीज़ें जाकर सागर में मिलती हैं, और वो सागर सारे तीर्थों का समाया हुआ सागर गुरु के चरणों के दाहिने अंगूठे में निवास करता है। इसलिए सारे तीर्थ गुरु के चरणों के दक्षिण अंगूठे में रहते हैं, और जो उस के तीर्थों का उनके दक्षिण अंगूठे का तीर्थ ग्रहण करता है और सारे तीर्थों का प्रसाद सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त करता है। यह बात दत्तात्रेय जी कार्तवीर्यार्जुन को समझा रहे थे, और कार्तवीर्यार्जुन को इसी दिन उन्होंने पादुकाओं की पूजा किस तरह करनी चाहिए और अपने गुरु को किस तरह घर में स्थापन करना चाहिए, स्थापन करने के बाद उसकी पूजा करने के बाद रोज हम अगर एक माला मंत्र जब करते हैं तो हमारे घर में गुरु का निवास हो, और गुरु हमें हर क्षण जब भी हम प्रार्थना करें हमारी रक्षा करें। इस विधान को उन्होंने उनको समझाया, और कार्तवीर्यार्जुन ने कहा, प्रभु पहले आप गुरु हैं, मैं उस पादुका दिवस का आज पादुका के दिन मैं उस पूजन को करता हूँ।